Assalamualaikum everyone, this is Yazdan. ये है तीसरा व्लॉग। जैसे ही दाऊद भाई ने मुझे छोड़ा तो उस टाइम मैं सो गया था, फिर उसके बाद अभी मैं बाहर आया हूँ शूट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि कौन से होटल में रुका हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरे होटल का व्यू देता हूँ। तो ये जो पूरी शिप खड़ी है, ये 2010 में दुबई में आई थी और 2018 में इसको होटल में तब्दील कर दिया गया था। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि इसको आज एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा। तो चलिए आप व्यू देख सकते हैं, माशाल्लाह इतनी लंबी शिप है मतलब, और इसके अंदर भी ऐसे ही अंदर पूरा पैसेज है, लंबा पैसेज। एंड वहाँ से एंट्री होती है होटल की, अगर आप देखोगे वहाँ से एंट्री होती है और इधर से तीन चार एंट्रेंस है, केरला से हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं केरला से। तो केरला से कहाँ से? अच्छा माशाल्लाह, तो आप यहाँ पे अभी स्टे कर रहे हैं, कैसा लगा आपको ये होटल? अच्छा है ना, मतलब एकदम अनोखा है ना दुबई का? माशाल्लाह। अच्छा ये अभी जा रहे हैं, कितने दिन के लिए थे आप यहाँ? एक दिन के लिए, लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये होटल भी, इतना प्यारा होटल है। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, हाँ मैं अकेला ही हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये थे कुछ यहाँ के गेस्ट जो केरला से आए थे एक दिन के लिए, आई थिंक वो अपनी फैमिली के साथ आए थे माशाल्लाह। एंड अभी मैं आपको पूरा एंट्रेंस दिखाता हूँ, एंट्रेंस कैसे है फिर उसके बाद अंदर कैसे जाते हैं वो सारी चीज़ें। होटल की एंट्रेंस है एंड ये एंट्रेंस के बाद हम जब अंदर जाते हैं तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और इसके पीछे बोट है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हमारी तो यहाँ पे आपको चेक इन करना होगा राइट साइड में, एंड देन यहाँ पे लाइब्रेरी है, यू कैन सिट हियर। एंड ये तो पता नहीं क्यों रखा हुआ, बहुत सारे गेस्ट हैं तो उनकी तरफ मैं नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे पूरा उन्होंने बोट का पूरा मैप दिया हुआ है और इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये, इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ, अभी तक मैं टेरेस पे नहीं जा पाया बोट पे, इतनी लंबी बोट है। सो लेट्स सी अभी कैसे जाना है। ये हम चेक इन करेंगे और यहाँ से फिर बोट के तरफ एंट्री लेंगे। यहाँ से एंट्री लेके तीन एंट्रेंस है, एक तो ये है, एक तो ये है, दो और वो तीन नीचे वाला। ठीक है, एंड देन फिर उधर से भी है, मतलब चार एंट्रेंस है टोटल। तो मैं ये वाली एंट्रेंस से कभी नहीं गया, मैं अभी ये वाली एंट्रेंस से जाऊँगा। तो यहाँ से अभी ऊपर चले जाते हैं। सो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर है, एक ही फ्लोर की ये लिफ्ट है, सिर्फ जस्ट फॉर वन फ्लोर। एंड देन यहाँ से अभी अंदर जाएंगे, बोट की एंट्री हो रही है, अभी बोट में एंट्री कर रहे हैं, अभी देखते हैं अभी क्या सीन है इधर। और मैंने देखा नीचे एक तो रोल्स रॉयस भी खड़ी थी भाई साहब, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त भाई, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। मतलब जब ये शिप एग्जैक्टली होगी, कंपस बना है माशाल्लाह, बहुत प्यारा कंपस बना हुआ है। तो आप सोचो जब यहाँ पे एंट्री होती होगी, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, आई थिंक वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जब ये बोट यूज़ होती होगी, तो यहाँ पे बैठ के सारे डिस्कस करते होंगे सारे प्लान्स एंड मिशन्स एंड ऑल। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा है। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे अगर मुझे बोट डेक पे जाना है, बी में यू में जाना है ना, यू में जाके ना। सो यहाँ पे लिफ्ट है, बहुत अलग अलग जगह पे लिफ्ट है, मतलब समझ नहीं आता लिफ्ट कहाँ कहाँ पे है। चलो जी लिफ्ट आ गई हमारी, यहाँ पे हमें जाना है यू पे, बोट डेक पे जाना है। तो बोट डेक पे आ चुके हैं, अभी देखो यहाँ पे भी। सो दिस इज कैसीनो आई थिंक, पुराने ज़माने का ना, राइट। वाओ व्हाट अ व्यू, व्यू देखो भाई यहाँ से। और यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पूरी मतलब हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे रखी है, पुराने ज़माने में क्या क्या यूज़ होता था, टेप रिकॉर्डर, देन जो ये कंप्यूटर है, पुराने ज़माने के ये रिसीवर, फोन्स, थिएटर भी है यहाँ पे, बंद है पर अभी। डू यू नो वेयर इज़ द टेरेस? स्टिल यू आर नॉट लुकिंग? ओके ओके ओके। ये दारू का अड्डा है, यहाँ पे जो जितने भी लोग सेलर्स होते थे पेक्षक लगाते थे यहाँ पे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो, चिल मार सकते हो और यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे खाना वाना गर्म कर सकते थे आई थिंक। सब जगह पे लगाया हुआ है देखो, और ये ब्रिटिश लोगों की शिप है भाई। और ये देखो ये शिप का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है, आप देखो कितनी लंबी शिप है यार। अपने को ना यहाँ पे जाके देखना है मुझे एक बार, ये जगह मिल जाए ना ये शिप में, समझ नहीं आ रहा है कैसे जाऊँ।
अभी तो इन्होंने साइंस लगाए हुए हैं, उस टाइम पे जब साइंस नहीं होते थे तो ये कैसे जाते होंगे, तो ये नहीं समझ आ रही। बट एक बार व्यू देखो यहाँ से, सारे बिलियनर्स की यॉट्स खड़ी हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी। अभी मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। हर साल की फोटोज हैं 1970 से लेके 2018 तक का, जब तक का यहाँ पे होटल बना है। यहाँ से अभी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से रास्ता है, और वो लेडी ने मुझे खुद हेल्प किया भाई। सो यहाँ से अभी जाना है बाहर, तो सोचो ये रास्ता मुझे कभी ज़िंदगी में ना मिलता। ये लो जी, आ चुके हैं हम बोट के बाहर टेरेस पे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, यहीं तो आना चाहता था मैं, रास्ता ना भूल जाऊं भाई। ये इधर से अंदर जाना है मुझे, और कहीं मैं इधर ही, इधर से मुझे छाल मारनी पड़े भाई नीचे हैं। तो यहाँ पे ना सारे लोग, 2800 लोग, आप सोचो यहाँ पे सारे लोग ऐसे खड़े होते थे जब फैमिली वाले मतलब उनके फैमिली वाले उन्हें छोड़ने आते थे ना, तो सारे लोग यहाँ पे सारे खड़े होते थे और ये टेरेस पे, और यहाँ से सबको हाय हाय बोल रहे होते थे। जो ये नीचे आपने लगा के रखा है ना, देख रहे हो ना, ये जो इन्होंने डिज़ाइन बना के रखा है, आप देख रहे होगे, एक बार ध्यान से देखो, जो ये आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐसे ही यहाँ पे आई थिंक बम फोड़ा जाता था, एक वो कलर्ड वाला, पता नहीं क्या होता था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसे ही होता था। उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे बना के रखा है, बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त भाई। यो वाली यॉट कितनी ज़बरदस्त है, इतनी बड़ी है भाई। तो जी यहाँ से अंदर जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी एक बार है, हर जगह बार ही बार है, मतलब यहाँ पे तो ये तो बहुत हाइट बहुत कम है इसकी। तो ये लाइब्रेरी है आई थिंक। ओके, माशाल्लाह लिफ्ट मिल गई मुझे, माशाल्लाह। देखो ख़त्म ही नहीं होता, ये जहाँ देखो उधर, ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ पे ये दोनों साइड से लिफ्ट ओपन होगी अपनी, तो यहाँ पे इतनी सारी लिफ्ट्स हैं, इतनी सारी स्टेयरकेस हैं, आपको सारी चीज़ें सेम लगेंगी और आपको इतनी कंफ्यूजिंग होगी, बट इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ मत आना आप, नहीं तो गुम हो जाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे दोबारा वहीं पे आ गए हम जहाँ से स्टार्ट किया था हमने। सो गाइस ये था हमारा होटल, माशाल्लाह बहुत प्यारा होटल था जी। अब मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ जो नीचे से आएगा, मेरा रूम वहाँ से आता है, यहाँ से अलग रूम्स आते हैं, नीचे से अलग रूम्स आते हैं, फिर उसके बाद जो वाला वो वाला पाथ है वहाँ से अलग रूम्स आते हैं। तो हर जगह से अलग से ही रूम्स आते हैं, आप सब चीज़ों को मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी चले जाओ तो आपका रूम आ जाएगा, तो आपको सिस्टमेटिकली सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं यहाँ पर भाई, तो भाई मुश्किल है। यहाँ से एंट्रेंस है ये होटल की, तो यहाँ से एंट्री लेते हैं, मैं अभी आपको पूरा दिखाता हूँ एंट्री लेके। तो यहाँ से अंदर जाएंगे अभी, एंड देन सर ओके। सो यहाँ से अभी लिफ्ट लेनी है हमें, तो यहाँ से जाना है थर्ड फ्लोर, हमारा है थर्ड डेक। तो अभी मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। थर्ड फ्लोर आ चुका है ना, भूल भुलैया है देखो, ठीक है फुल भूल भुलैया है। चलो जी लेट्स गो टू आवर रूम, हमारा है 3102। चलो जी आ गया हमारा रूम, तो माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये है हमारा रूम, ये पहले वॉशरूम देखिए, ज़बरदस्त। एंड दिस इज़ our room, neat and clean, mashallah, tabarakallah. और यहाँ से view भी है, ओए ओए ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। 5 hours later. चलो अब मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख, डिनर करना है। तो इस शिप में बहुत सारी चीज़ें जो देखने लायक है, तो इंशाल्लाह आपको आज दिखाऊंगा मैं। चलिए रूम से बाहर जाते हैं, अब मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा ना देखना, देखो कितना दूर है, देखो भाई तुम थक जाओगे, इतना दूर है, मतलब जितना और जूम करूँगा ना उससे भी ज़्यादा दूर है वो। और
ये देखो इधर भी, इधर तो पास है थोड़ा, बट ये एक्सट्रीम दूर है भाई, एक्सट्रीम 1 किलोमीटर होगा ये रास्ता। अब मैं टेरेस पे जाता हूँ। भूल भुलैया ना, ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक और लाइन आ गई भाई, फुल भूल भुलैया, मेरे को तो मेरा रूम भी याद नहीं रहता। ये देखो भाई, ये देखो ये, और ये ऊपर देखो, बट माशाल्लाह बहुत प्यारी शिप है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अभी मैं जाऊँगा बाहर कहीं खाना खा के आता हूँ। हमें कैब मिली है, हमारे भाई पाकिस्तान से हैं, है ना जी? पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से। पंजाब से। पंजाब से, पंजाबी हो तुसी, माशाल्लाह। असी भी सानू रेस्टोरेंट ते छड़ देंगे। नाम यजदान है, तुहाडा नाम की है? मेरा नाम खालिद है। खालिद भाई, तुसी पंजाब तो? पंजाब तो कितों? मैं पंजाब पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चकवाल तो। चकवाल तो, माशाल्लाह। सो गाइस, जेडे भी चकवाल, जो भी बंदे चकवाल से हमें देख रहे हैं, तो ये आपके गांव के हैं माशाल्लाह। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है पाकिस्तान तो, माशाल्लाह काफी काफी ने। स्पेशल क्रिकेटर हैं ज्यादा मेरे दोस्त, इतने भी दुबई के अंदर, यूएई के अंदर भी। अच्छा, 5 साल शारजा क्लब खेले, शारजा स्टेडियम। माशाल्लाह, क्या बात है, काफी क्रिकेट की पहचान है। क्या बात है, टाइम तो लेके दुबई यूएई च भी। और ये 1999 तो इतने, मतलब ये 1999 से यहाँ पे दुबई में है, वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ज्यादा मुशक्कत होती है ना ये चीज। मेरा लाइसेंस भी दुबई का 2004 था। अच्छा जी। जी हाँ, फिर आपके साथ सही 20 साल उन्होंने भी हो गए। 20 साल हो गए, 27 फरवरी नो 20 साल हो गए जी दुबई। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो जी मैं आया हूँ अभी बर दुबई, और यहाँ पे कुलचा किंग है, यहाँ पे पंजाबी ढाबा है। माशाल्लाह, पंजाब बाय अमृतसर। तो पंजाब बाय अमृतसर करते हैं, फिर जाते हैं। इतनी लंबी भीड़ है कि वहाँ पे कम से कम 1 घंटा वेटिंग है। इंडियन रेस्टोरेंट बट आई ट्राई करते हैं। चेकिंग आए हैं, देखते हैं भाई इधर क्या मिलने वाला है आज। अभी रेस्टोरेंट में आया हूँ, तो देखते हैं अभी खाना आएगा तो आपको दिखाता हूँ। भूख बहुत लग रही है, पर लो जी पहले चटनी एंड थाल। माशाल्लाह, एंड दिस इज द ग्लास। तंदूरी रोटी, पनीर, माशाल्लाह। ट्राई करके देखते हैं कढ़ाई पनीर यहाँ का कैसा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलिए जी, खाना खा के मिलते हैं। 5 minutes later 48 दिरहम हमारा बिल आया, तो 1100 रुपए के आसपास। ने अकेले ने एक पनीर की भाजी मंगाई थी और 3 रोटी बस। आई थिंक वर्थ इट है, बहुत अच्छा था खाना। लो जी, रूम में आ गए वापस, एंड बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बिकॉज 24 आवर्स से मैं सोया नहीं था, और दोपहर में मैंने 2 घंटे की नींद ली है, वो भी अच्छे से नहीं ली। अभी रात में अच्छे से सोऊंगा तो मेरा दिमाग फ्रेश होगा। फिर उसके बाद 3 दिन है हमारे पास। फ्राइडे को मैंने तय किया है कि जुम्मे के दिन मैं जाऊँगा शेख जैद मस्जिद हमारे दाऊद भाई के साथ, और कल भी इंशाल्लाह कहीं पे जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होटल है, इतनी बड़ी शिप देखी है यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे इसका जो प्राइस है रूम का, एक रूम का प्राइस कितना है। तो एक रूम का जो प्राइस मुझे जो पड़ा है वो है अराउंड 6,000 to 7,000 के बीच में पड़ा है, ठीक है। मैंने आई थिंक 14,000 के आसपास 2 दिन की बुकिंग की है ये क्रूज में। तो डिपेंड्स करता है, देखो हमेशा रेट सेम नहीं रहते, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से दिन पे आप बुकिंग कर रहे हो, तो मेक माई ट्रिप पे आपको पता चल जाएगा, तो आप मेक माई ट्रिप से इजीली बुकिंग कर सकते हो। एलिजाबेथ क्वीन 2 होटल इसका नाम है, एलिजाबेथ क्वीन 2। 14,000 रुपीज में 2 डेज की मुझे यहाँ पे ये एक रूम मिला है, जो काफी अच्छा है, लाइक 5-स्टार ट्रीटमेंट है, और हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पे, वॉशरूम में भी। तो 10/10 है मेरी तरफ से, बहुत अच्छा है, यू कैन स्टे हियर। और यहाँ पे बर दुबई बहुत पास में है, तो आपको खाने की टेंशन नहीं रहेगी, इस वजह से मैंने ये होटल बुक किया था, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जजाकल्ला खैर, फी अमानल्लाह।